नमस्कार स्टडी आई क्यू आई एस हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत है मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और सुबह नौ बजे हम लोग इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस करते हैं तो उसी दैनिक विश्लेषण को लेकर मैं आ गया हूँ रोजाना ये सेशन आप लोगों को सुबह नौ बजे मिलता है आज है सोमवार और आज का जो न्यूज़पेपर था उसको भी आज हम देखेंगे कि आज क्या क्या न्यूज़ कवर हुई हैं और आज के न्यूज़पेपर से आपको कुछ आंसर राइटिंग में भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे क्योंकि आज का पेपर में बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स हैं क्योंकि हाल ही में अभी जी की मीटिंग होने वाली है उससे भी निकल कर करके का, 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 काफ़ी सारे जो है पक्ष रखे गए हैं साथ साथ कुछ विदेशी मामले भी हैं जैसे बांग्लादेश के अंतर्गत हो रहे कई तरह के विरोध उनको भी आज हम कवर करेंगे इसके अलावा आदित्य एलवन से भी जुड़ी हुई कुछ खबरें आई हैं साथ साथ आपने चंद्रयान के बारे में भी सुना हुआ है इसके अलावा ओलंपिक्स कमेटी की भी एक रिपोर्ट आई है इन सारी चीज़ों को आज की क्लास में मैं कवर कराऊंगा गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स जल्दी से जुड़ जाएंगे और आज का सेशन को भी अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे तो बस साथ में जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताऊँ उनको पेन और कॉपी में आप नोट करते चलेंगे तो अच्छे से एनालिसिस करेंगे कि किस क्या क्या आज की खबरें क्योंकि जी ट्वेंटी की मीटिंग होने वाली है तो अभी बहुत माहौल गरमाया हुआ है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग चलिए तो शुरू करते हैं आज की तारीख है चार सेप्टेंबर तो चार सेप्टेंबर का जो न्यूज आप लोग देखेंगे उसमें जो जो खबरें आई थी उनको मैंने कवर किया हुआ है है ना आप लोगों के प्रश्न होते हैं कि सर इसकी पीडीएफ जो है तो पीडीएफ मिल जाती है इसकी टेलीग्राम ग्रुप पे आप जाएंगे तो वहां से आपको पीडीएफ इजीली अवेलेबल हो जाएगी तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं ये इंस्टाग्राम आईडी है इसके अलावा अगर आप पी टू आई बैचेज़ में हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए अवसर है 11 सितंबर से ये बैच शुरू हो रहा है इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा कोड है मनीष लाइव इसको आप यूज़ कर सकते हैं चलिए तो शुरू करते हैं आज का जो सबसे पहला आर्टिकल है वो किससे जुड़ा हुआ है अ क्लाइमेट क्वेश्चन फॉर जी ये एक बहुत ही शानदार आर्टिकल है इसमें इतने सारे एस्पेक्ट कवर किए गए हैं जिसको हम बहुत सारी तरीके से आंसर में जोड़ सकते हैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग तबीयत अभी ठीक हो रही है है ना प्रोसेस में थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगी है ना तो चलिए तो यहां पर इसकी बारे में बात करें अ क्लाइमेट क्वेश्चन फॉर जी ट्वेंटी जी ट्वेंटी की बैठक अभी कौन क्या मेजबानी कौन कर रहा है भारत मेजबानी कर रहा है नौ और दस सितंबर को जो है बहुत सारे हमारे मेहमान जो हैं भारत आने वाले हैं और अभी ये क्यों खास हो जाता है क्योंकि भारत ने अभी दो चीज़ें हासिल की हुई हैं एक चंद्रयान को हमने दक्षिणी ध्रुव पर एक सॉफ्ट लैंडिंग कराई है जो कि एक माइलस्टोन था जो भारत ने अचीव किया दूसरी चीज क्या हो रही है तो दूसरी चीज ये हुई है कि हमने जीडीपी में भी काफी अच्छी ग्रोथ करी है सात दशमलव आठ प्रतिशत मैंने पिछली क्लासेस के आर्टिकल्स में आपको बताया था ये दोनों ही चीजें भारत के पक्ष में है और हम देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर अभी हमारे पास क्या है लीडरशिप है इसकी तो हम कई तरह के पक्ष रख सकते हैं इस आर्टिकल में बहुत अच्छे से समझाया गया है कि किस तरीके से भारत इस मौके का फायदा उठा सकता है और एक विषय है जिसको कहा जा रहा है क्लाइमेट देखिए क्लाइमेट के बारे में समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आज की डेट में आप जब क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो हर जगह क्लाइमेट की बात होती है हर जगह जलवायु की बात होती है तो भाई पहले उसको भी समझते हैं और इस आर्टिकल में क्या क्या दिया है उसको मैं समझाऊंगा तो ध्यान से सेशन को देखेंगे इसमें हमें बहुत सारे नए पॉइंट्स पता चलेंगे जो इस आर्टिकल में दिए हुए थे है ना अभी देखा जाए तो भारत ने एक अनुशंसा करी थी ध्यान से सुनना मेरी बातें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दी हुई है 2021 में संयुक्त राष्ट्र को भारत ने एक अनुशंसा की थी किसके लिए मिलेट्स के लिए ये मिलेट्स क्या होता है तो मिलेट्स का मतलब होता है मोटा अनाज जैसे बाजरा होता है इसी में रागी आ जाती है ठीक है ऐसे अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे मोटे अनाज हैं जो भारत में हुआ करते थे इनका उत्पादन काफी बड़े स्तर पे होता था आज भी होता है हमारे यहाँ बहुत सारी जगहों पे खाया जाता है जौ बाजरा रागी ये ऐसे सारे मोटे अनाजों की बात कर रहे हैं इन्हीं को मिलेट्स कह दिया जाता है इनका उत्पादन विश्व भर में सबसे अधिक भारत में होता है अगर हम बात करें जब भारत में आई औद्योगिक हरित क्रांति हरित क्रांति की बात करें तो भाई कब आई थी तो जब अगर लाल बहादुर शास्त्री जी का जो समय था तो हमारे यहाँ खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ था तो अमेरिका में नॉर्मन बोरलॉग जो थे वो वहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन चला रहे थे वो वहां हरित क्रांति चला रहे थे हमारे एम एस स्वामीनाथन ने उसको चलाया तो हमने जब हरित क्रांति भारत में चलाई तो हमने दो फसलों को ही बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया एक चावल और दूसरा गेहूं और हमने बाकी फसलों को क्या कर दिया कम कर दिया इन फसलों को कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऐसी नजरों से देखा जाने लगा कि भाई ये जो है गरीबों की फसल है ये जो है एक एलाइट क्लास की फसल नहीं है। और इनको इतना तवज्जो भी नहीं मिला उस समय तो जब इनको इतना ज्यादा फोकस नहीं किया जाता था तो हुआ क्या पूरा का पूरा का फोकस गेहूं चावल पे चला गया तो हमने क्या किया इनका उत्पादन को बहुत तेजी से बढ़ाया हरित क्रांति में खाद्यान्न संकट था तो हमने उत्पादन बढ़ाना चालू किया कि भाई खाद्यान्न संकट दूर हो जाए लेकिन हुआ क्या इन फसलों पर ज्यादा निर्भरता आज विश्व भर में चार फसलें ही सबसे ज्यादा खाई जाती हैं है ना मैं बताया है मैंने कई बार कि भाई चार फसलें जो है ये आपको खाने में देखने में मिलेगी कि भाई पूरे विश्व की निर्भरता इन चार फसलों पर बहुत अधिक है कौन कौन सी फसल है तो भाई इसमें आपका आ जाएगा चावल इसमें आ जाएगा आपका गेहूं आ, आपका आ जाएगा मक्का और चौथा है आलू यह भर में सबसे ज्यादा खाया जाता है मतलब किसी की भी फूड हैबिट में ये चार फसलें हटा दो तो आधे से ज़्यादा वो भूखा रह जाएगा ये आज विश्व की स्थिति है हमने जब वापस ध्यान दिया कि भाई ये जो मोटे अनाज थे ये मोटे अनाज पोषण से भी भरपूर है इनको उगाने के लिए हमें फर्टिलाइजर की भी जरूरत नहीं है उर्वरक की भी जरूरत नहीं है ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट पर मतलब बहुत अधिक तापमान है बहुत कम तापमान है ये सारी तापमानों पर ये आसानी से चल सकता है तो भाई इसको क्यों ना प्रमोट किया जाए तो हमने 2021 में अनुशंसा करी संयुक्त राष्ट्र में कि भाई इसको प्रमोट किया जाए और अब जो है इस वर्ष 2023 को हम क्या मना रहे हैं अंतरराष्ट्रीय वर्ष मना रहे हैं अंतरराष्ट्रीय वर्ष किसका मिलेट्स का यानी मोटे अनाजों का और अभी जी ट्वेंटी की जो बैठक होगी इसमें सारे के सारे लीडर्स को हम लोग ये खाना परोसेंगे जी ट्वेंटी में मिलेट्स खिलाएंगे है ना क्योंकि 9 और 10 दिसंबर को जो नौ 10 सितंबर को जो होने वाला है दिल्ली में इसमें ये पूरा का पूरा आयोजन इनके आधार पर भी है अब ये क्यों खास हो जाता है इससे क्लाइमेट का क्या रिलेशन अगर हम बात करें भारत जैसे चंद्रयान को हमने भेजा मतलब हम विज्ञान में बहुत अच्छा कर रहे हैं और कई दूसरे देशों से अच्छा कर रहे हैं कौन से देशों से तो अमेरिका की अगर हम बात करें या फिर हम यूरोप के कई देशों की बात करें विषय आ जाता है क्लाइमेट चेंज के बारे में है ना अब मैं इस पर आऊंगा लेकिन थोड़ा सा पहले जलवायु परिवर्तन समझते हैं कि क्या है अगर हम जलवायु परिवर्तन की बात करें और जलवायु की जब बात हो रही है तो जलवायु परिवर्तन का मतलब सीधे तौर पर समझाया जाता है कि जलवायु का अर्थ क्या है जलवायु का अर्थ है जब किसी जगह का तापमान जब किसी जगह का दाब किसी जगह की वर्षा हम क्या करें हम पढ़े तीस से 35 वर्षों तक उसका आकलन करें और तीस से 35 वर्षों के आकलन के बाद हम एक निष्कर्ष पर निकल कर आए और हम कह दें कि भाई ये ये चीजें रहती हैं अब तीस से 35 साल तक आपने किसी जगह का मौसम का अध्ययन किया तो हो सकता था तापमान 40 जाता था मिनिमम 20 जाता था कभी बयालीस गया तो ओवरऑल आपने तीस से 35 साल में एक जगह की बात कर दी तो वो हो जाता है क्या आपका जलवायु और जलवायु जो होती है वो क्या होती है वो परिवर्तन नहीं होती थी इसमें परिवर्तन नहीं होता था ठीक है परिवर्तन किसमें होता था तो एक घटना हम पढ़ते हैं जिसको कहते हैं मौसम जिसको कहा जाता है वेदर और जो वेदर होता है मौसम होता है उसमें बदलाव होता है उसमें चेंजेस आते हैं किस चीज में बदलाव आता है तो इसमें तापमान में बदलाव आ जाता है इसमें दाब में बदलाव आ जाता है इसमें आर्द्रता में बदलाव आ जाता है इसमें वायु में बदलाव आ जाता है इसमें वर्षा में बदलाव आ जाता, जाता है तो ये रोजाना बदलते रहते हैं है ना है ये रोज बदलते हैं तो इसलिए हम इसको मौसम कहते हैं लेकिन जलवायु जो है वो क्या होती है एक दीर्घ काल तक बदलती नहीं है अब फिर क्या सवाल उठा सवाल यही उठा कि ये बदलने लगी क्यों बदलने लगी हमारे विश्व का तापमान अगर हम बात करें जब तक भारत विश्व में औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी 1850 के आसपास की बात करें तो 1850 के आसपास जो पृथ्वी का तापमान था वो 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास था साढ़े चौदह से साढ़े पंद्रह डिग्री लेकिन जैसी औद्योगिक क्रांति होने लगी तो मानव ने क्या करना चालू कर दिया कई ऐसी गैसों का उत्सर्जन करना चालू कर दिया जिन्होंने इस विश्व के इस सिद्धांत को बदल दिया कि जलवायु बदलती नहीं है जलवायु बदलने लगी किसने किया ऐसा तो भाई जितने विकसित देश आज हमको देखने मिल रहे हैं इन सारों ने किया है ना इसमें अमेरिका भी है इसमें ब्रिटेन भी है इसमें कैनेडा भी है ऐसे सोलह देश जो हुआ करते थे इन सारों पर पूरी की पूरी जिम्मेदारी दी गई कि भाई इनके कारण जलवायु परिवर्तन आज हो रहा है अब जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उसका संबंध बहुत सारे बड़े बड़े देशों से था इसके लिए कई तरह के सम्मेलन हुए एक संस्था बनी जिसका नाम था यूएनएफ ट्रिपल सी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के लिए इसको उन्नीस सौ बानवे के पृथ्वी सम्मेलन में लाया गया उन्नीस सौ चौरानवे से लागू हुआ इसकी कई बैठकें होना चालू हुई उन्नीस सौ पंचानवे से उन्नीस सौ पंचानवे में पहली बैठक बर्लिन में हुई ठीक है संतानवे में एक ढांचा बना क्याटो शहर में जिसको आपने पढ़ा होगा क्या प्रोटोकॉल है 2015 में इसी की एक बैठक हुई पेरिस में जिसको पेरिस समझौता कहा जाता है अगर हम बात करें ये सारे के सारे हवा में काम कर रहे हैं चाहे क्योटो प्रोटोकॉल हो चाहे पेरिस समझौता हो क्योटो प्रोटोकॉल को ध्यान से पढ़ोगे आप तो मिलेगा कि 1990 में जो विकसित देश अपना उत्सर्जन करते थे उससे वो पांच प्रतिशत कम करने वाले थे नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने हस्ताक्षर ही नहीं करे जितने बड़े बड़े देश थे क्या प्रोटोकॉल के अंतर्गत आए ही नहीं थे 2015 में जब पेरिस समझौता हुआ तो पेरिस समझौते में बराक ओबामा ने एक तरीके का खेल खेला जिसमें चीन और भारत जो कि बताया जाता था कि उस समय विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व हुआ करते थे जो जलवायु परिवर्तन के लिए इन देशों पर दबाव डाल सकते थे इन देश दबाव नहीं डाल पाए बराक ओबामा ने दोनों ही देशों को अपने जो हित थे उनसे पूरा कर दिया और 2015 के जो बर, आ, सम्मेलन हुआ पेरिस समझौते का उस पेरिस समझौते में सबसे बाद में बराक ओबामा आए चीन और अमेरिका से अलग अलग द्विपक्षीय वार्ता कर लिए कमरे में बैठकर बात कर ली जलवायु परिवर्तन हवा में चला गया उसके बाद से 2017 में ट्रम्प आए वो उससे बाहर हो गए वैसे अमेरिका ने कभी जलवायु परिवर्तन के लिए कोई काम ही नहीं किया भी, भी, किसी चीज का अनुमोदन ही नहीं किया बात यहां पे हम क्यों उठा रहे क्योंकि अभी हमारे पास बहुत अच्छा पक्ष है अभी हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। कैसे अच्छी स्थिति में क्योंकि मैंने बताया कि अभी जी की अध्यक्षता भारत के पास है दूसरी चीज भारत ये बता सकता है विकसित देशों को कि भाई आप जितना पैसा खर्चा करते हो ना कोई भी स्पेस मिशन को भेजने में उससे कई, कई कम गुना में हमने हमारा चंद्रमा को भेज दिया है। जो आपके एक एक हॉलीवुड मूवी बनती है है उतने में हमने चंद्रयान की लैंडिंग करवा दी वहां पे आप सबसे ज्यादा किस चीज के लिए परेशान होते हो पैसों के लिए परेशान होते हो अर्थव्यवस्था के लिए परेशान होते हो कि भाई आप अगर जलवायु परिवर्तन के लिए सोचना चालू कर दोगे तो आपको कई तरह के अर्थव्यवस्था में हास होगा लेकिन आप इस तरीके से हमारी तरह से भी तो सतत तौर पे आगे बढ़ सकते हो तो भारत यहां पर केवल भारत का पक्ष नहीं रख सकता भारत के पास अभी बहुत अच्छी स्थिति है है ना ये मेरा पक्ष नहीं है इस आर्टिकल में ये सारे बिंदु दिए हुए हैं है ना इस आर्टिकल को आप पढ़ोगे तो सारे ही बिंदु मिलेंगे आपको कि इसमें बताया गया है कि भई भारत के पास अभी एक बहुत ही सटीक मौका है कि भारत पूरा का पूरा दक्षिण एशिया का साउथ एशिया का पूरा का पूरा प्रतिनिधित्व कर सकता है क्योंकि भारत की स्थिति इस हिसाब से अच्छी है लेकिन हम एक चीज में पीछे हो रहे हैं वो कौन सी है तो वो है कृषि क्योंकि अभी हम किन कृषि को जैसे मैंने बताया विश्व भर में इन इन फसलों का इतना इतना प्रचलन हो गया है है ज्यादा खाया जाने लगा है कि निर्भरता इन पे बढ़ने लगी है तो भारत के पास एक और अवसर है भारत कह सकता है कि भाई सबसे ज्यादा जलवायु परिवर्तन कृषि से हो रहा है अब जलवायु परिवर्तन अगर कृषि से हो रहा है तो हमारे पास एक ऐसा विकल्प है कि जिससे हम पूरी की पूरी खाद्यान्न श्रृंखला को भी बना, बराबर रख सकते हैं और साथ साथ जलवायु परिवर्तन से होने वाले विकारों को भी कम कर सकते हैं तो कैसे कम करेंगे तो हम बता रहे हैं ना कि हम इस वर्ष क्या मना रहे हैं हम मना रहे हैं मिलेट्स का वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनाया जा रहा है और इस मिलेट्स के उत्पादन में भारत काफी आगे है तो भारत इन चीजों को वैश्विक स्तर पर रख सकता है कि भाई इन चीजों का प्रयोग किया जाए और इन चीजों का प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं हम जलवायु परिवर्तन से और तेजी से फाइट कर सकते हैं और बाकी दूसरे देशों को भी जैसे बड़े बड़े विकसित देशों को भी हम कह सकते हैं कि भाई हमने ये कर दिखाया है है ना हमने जीडीपी एक छोटे देश होते हुए भी हमने जीडीपी में काफी उछाल किया है ना हमने हमारे सेवा क्षेत्र में आपसे ज्यादा जीडीपी में ग्रोथ लाकर दिखाई है है ना हमने ऐसे साइंटिफिक मिशंस पर काम किया है हमारी टीम इतने कम पैसों में इतना एफिशिएंट तरीके से अगर सॉल्यूशन निकाल सकती है तो क्या जलवायु परिवर्तन के लिए नहीं निकाला जा सकता क्यों क्योंकि इसी वर्ष कॉप की 28वीं बैठक वाली Change, की होने वाली है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन क्लाइमेट चेंज यानी ऐसे सदस्यों की मीटिंग होने वाली है 28वीं जो जलवायु परिवर्तन पर बात करते हैं अब जी ट्वेंटी में आने वाले जो देश है उसमें अमेरिका खास हो जाता है या हम यूरोपियन यूनियन की बात करें ये सारे देश हो जाते हैं रूस हो जाता है ऐसे सारे लेकर लेकिन कॉप के अंदर और भी बहुत सारे देश हैं तो हम अभी यहाँ पर पूरा का पूरा माहौल बना सकते हैं और उस तरीके से पूरे वैश्विक स्तर पर भारत का पक्ष रख सकते हैं जलवायु परिवर्तन के सॉल्यूशंस समाधान बता सकते हैं इसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं और हमने किस तरीके से काम किया है बस एक क्षेत्र भारत के लिए जो है वो कृषि का है क्योंकि इसने भी बहुत ज्यादा जलवायु परिवर्तन पर जोर डाला है अब डाले क्यों ना जब आठ करोड़ लोग खाना खाएंगे तो भाई उनकी जरूरतें तो होंगी कहां से आएगा खाना पृथ्वी तो देगी यही कृषि तो यहीं पर होगी तो बेसिकली अगर हम इस चीज में सुधार करते हैं तो इसमें भी हमें दूसरे देशों का फायदा मिल सकता है क्योंकि कई देश ऐसी तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे कृषि का उत्पादन भी बेहतर हो रहा है साथ साथ जलवायु परिवर्तन भी कम हो रहा है कई लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि कृषि से कैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है भाई आज कृषि में हम कितने उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं कितने फर्टिलाइजर्स का प्रयोग कर रहे हैं कहाँ हम जैविक खेती का प्रयोग कर रहे हैं जब उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है तो मिट्टी की उत्पादकता खराब हो रही है वही तत्व जब बहकर जलाशयों में जा रहे हैं तो बायोमैग्निफिकेशन जैसी गतिविधि कर रहे हैं जैव आवर्धन जैसी गतिविधि कर रहे हैं वो भी तापमान को बढ़ा रही है वो भी कही न कहीं ना कहीं जलवायु को परेशान कर रही है तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है जलवायु परिवर्तन से जलवायु परिवर्तन यानी किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत मैंने बताया ये सारे विषयों का बदलाव होना कौन से बदलाव होना तापमान दाब वर्षा वायु इन सारी चीजों का तो भाई ये जो पूरा विश्व झेल रहा है क्योंकि अभी इसी के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि यूएनएफ ट्रिपल सी जो है इसको एक संस्था रिपोर्ट देती है इसको जो संस्था रिपोर्ट देती है उसका नाम है आईपीसीसी ठीक है आईपीसीसी ने अभी बताया है कि 2023 से 2027 के बीच में विश्व का तापमान डेढ़ डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा यह अभी रिपोर्ट आई है अब इस रिपोर्ट का हवाला लिया जाए तो उस हिसाब से तो भाई अगर डेढ़ डिग्री सेल्सियस से तापमान बढ़ा तो ये तो पूरे के पूरे ऐसा तो नहीं होगा कि इससे सिर्फ भारत को नुकसान अमेरिका को नुकसान नुकसान होगा होगा अमेरिका नहीं हो वो तो पूरे विश्व के लिए ना जो वैश्विक तापन तापन की की घटना घटना है है वो वैश्विक तापन की के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और वैश्विक शब्द में यानी ग्लोबल आ जाता है उसमें लोकल लेवल की तो बात नहीं होती है तो यह सीधे तौर पर हमारे पास अभी एक बहुत अच्छा मौका है जिसमें हम जी में इन सारे पक्षों को रख सकते हैं क्योंकि भारत का पक्ष अभी थोड़ा मजबूत देखने मिलता है ठीक है बात समझने आ रही है ठीक है तो ये सारे पक्ष हम लिख सकते हैं एग्जाम्स में हम बता सकते हैं कि भाई जलवायु परिवर्तन के लिए अभी हमारे पास बहुत अच्छा मौका है कि कॉप अट्ठाइस की बैठक होने वाली है इसी साल नवंबर माह में दुबई के अंतर्गत बैठक होने वाली है कॉप अट्ठाइस की है ना वहां पर भी भारत जाएगा बाकी देश जाएंगे कदम उठाएंगे क्योंकि आईपीसीसी की रिपोर्ट ने बताया है कि डेढ़ डिग्री सेल्सियस से कम करना है तो भाई कम कैसे करें कोई ना कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तो हो ऐसे हवा में तो बात करने से नहीं होगा तो भाई यहां पर भारत के पास ये सारे पक्ष हैं जिस पर भारत बात कर सकता है और उससे कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाला जा सकता है तो हमारे पास अभी हमारे पास एक अपर हैंड है हमारे पास थोड़े से पॉजिटिव है ये सारी चीजें इस आर्टिकल में दी गई हैं है ना इनको आप अच्छे से आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं बिल्कुल ऑर्गेनिक फार्मिंग की जरूरत है हमें है ना ये सारी चीजें हम इससे जोड़ सकते हैं तो जी से जुड़ा हुआ ये एडिटोरियल आर्टिकल था आप लोग भी इसको पढ़ना बहुत अच्छा दिया हुआ है मैंने बाकी सारे पॉइंट्स बताए हुए हैं आपको ठीक है तो ये आशा करता हूं समझने आया होगा इसके बाद देखिए इसके बाद एक यहां पर यह भी दिया है कि भाई भारत के अंतर्गत इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि भारत में किस तरीके से ये इनका उत्पादन बढ़ा है तो भी प्राइस बढ़े है ना एक पक्ष इसका मैं और बता दे रहा हूं कि अभी हुआ क्या है भारत में 2013 से एक एक्ट आया है जिसका नाम है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एन जिसको हम क्या कहते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून इस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत भाई सरकार की जिम्मेदारी हो गई थी है ना 2014 में इलेक्शन होने वाले थे 2014 के इलेक्शन से पहले कांग्रेस एक मास्टर स्ट्रोक चलकर मास्टर स्ट्रोक करके चली गई क्या किया उसने पहले तक अगर हम बात करें तो हमारे यहां जो राशन दिया जाता था जो पीडीएस सिस्टम हुआ करता था वो पूरा का पूरा बाध्यकारी नहीं था सरकार की जिम्मेदारी थी कि भाई वो जो है सभी तौर पर ये जो हमारी बिलो पॉवर्टी लाइन है गरीबी रेखा से जो नीचे लोग हैं उनको खाद्यान्न सुरक्षा दे उनको खाने की लिए चीज़ें बांटी जाए और ये भारत में चल रही थी काफी समय से चल रही थी इसकी पूरी रूपरेखा आप पढ़ोगे तो जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तब से ये सिस्टम आया था क्योंकि सारे सैनिक जो होते थे वो युद्ध में लड़ते थे तो भाई खाने पीने के लिए कहां से पैसा आएगा तो भाई सरकारें क्या करती थी वॉलेंट्री बेसिस पर है ना अपनी तरफ से उनको कम दाम में अनाज मुहैया कराती थी तो भाई भारत जब आजाद हुआ तो भारत में भी ये कुछ कुछ लेवल पे चालू हुआ जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो इसको जो है और भी तरीके से शुरू किया गया था मतलब इसको एक योजना के रूप में शुरू किया गया था लेकिन योजनाओं का ऐसा नहीं रहता कि भाई सरकार योजना के तहत लोगों को अगर दे रही है तो ठीक नहीं दे रही है तो कोई कोर्ट में नहीं जा सकता कांग्रेस ने यह किया दो में जाते जाते कि भाई सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि भाई अगर आपने खाद्यान्न पूर्ति नहीं करी तो हम आपके खिलाफ कहाँ जा सकते हैं आपने इस एक्ट की अवेलना कर दी तो सरकार की की मजबूरी हो जाती है कि भाई क्या करना पहले प्रोक्योर करना मतलब पूरी की पूरी जैसे आपने सुना है कि जो फूड सिक्योरिटी एफ के जो अधिकारी होते हैं वो अनाज खरीदते हैं किसानों से एमएसपी पर वो वाली जो स... वैसे एमएसपी नहीं मिल पाता बहुत सारी समस्या है वो एक अलग विषय है वो एमएसपी खरीद के गोदानों में रखते हैं फिर राज्य सरकारों के पास भेजते हैं फिर जो पी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वहां भेजा जाता है तो इसके कारण क्या हो रहा है सरकार को अपने पास अनाज रखना पड़ रहा है इसके अलावा दो से कोविड के समय से अभी तक अगर हम बात करें 2023 तक तो सरकार जो है वो अनाज दे रही थी जो गरीबी रेखा से नीचे लोग थे जो आवंछित लोग थे उनको ज्यादा अनाज दे रही थी डबल डबल बांटा गया है जब डबल बांटा गया है तो उनको प्रक्योर भी करना पड़ता है ज्यादा तो भाई उत्पादन ज्यादा हुआ है इस रिपोर्ट में यह भी बताया है कि भारत का उत्पादन ज्यादा हुआ है लेकिन आप चावल के दाम गेहूं के दाम देखेंगे तो लगातार दाम भी बढ़े हमारे यहाँ क्या चलता है कि अगर उत्पादन ज्यादा हुआ है तो दाम कम हो जाते हैं जैसे टमाटर अभी आपने देखे थे कि टमाटरों का उत्पादन थोड़ा कम हुआ था शॉर्टेज हो रही थी या कई जगहों पर उनका स्टॉकेज किया जा रहा था तो प्राइस एकदम ऊपर आ गए थे अब वापस से सामान्य हो गए तो इस पर भी ये सवाल उठाया गया इसमें थोड़ा सा एक जगह कि भाई प्राइस क्यों बढ़ा रहे हैं है ना प्राइस क्यों बढ़ रहा है जब उत्पादन बढ़ रहा है तो फिर उसी का कारण आया कि भाई नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है इसका भी सॉल्यूशन दिया गया कि अगर हम सतत उपयोग करेंगे हम सही तौर पर उपयोग करेंगे हम जलवायु परिवर्तन के ज, ज, जो भी कारक हैं उनको ध्यान में रख के करेंगे तो इस समस्या को भी दूर किया जा सकता है तो ये दोनों ही एस्पेक्ट इस आर्टिकल में कवर हुए थे लेकिन मेनली जो है वो जी का विषय लेकर बात की गई है तो इसको आप देखेंगे ठीक है इसके बाद देखिए अगला जो आर्टिकल है ये बांग्लादेश से आया हुआ है ना बांग्लादेश में क्या चल रहा है तो बांग्लादेश में अभी जो वहां की प्रधानमंत्री है क्या नाम है उनका मुझे एक बार बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में जो बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री है वो कौन है तो देखो यहां पे क्या हो रहा है यहां पे ये क्वाइटली क्रशिंग क्रशिंग डेमोक्रेसी मिलियंस ऑन ट्रायल इन बांग्लादेश हां शेख हसीना जी है, है ना आपने मुजीबुर रहमान का नाम सुना होगा जो बांग्लादेश में के एक तरीके से बताया जाता था कि जब बांग्लादेश बना था तो उस समय एक मुक्ति वाहिनी हुआ करती थी और मुक्ति वाहिनी को चलाते थे कौन मुजीबुर रहमान 1971 से पहले उस वो कहलाता था पूर्वी बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था और वहाँ के एक बहुत लोकप्रिय नेता हुआ करते थे मुजीबुर रहमान जेल में रहे बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है ना बाद में वहाँ के प्रमुख भी बने उन्हीं की सबसे छोटी बेटी है शेख हसीना और इन्हीं के द्वारा मुजीबुर रहमान के द्वारा एक पार्टी शुरू की गई थी जिसका नाम था अवामी लीग तो अवामी लीग की अध्यक्ष हैं कौन या अवामी लीग की तरफ से अभी पक्ष में कौन है शेख हसीना है वहां की प्रधानमंत्री अब उसके विरुद्ध क्या हो रहे हैं अब देखो जैसे हमारे इलेक्शन होने वाले हैं ना 2024 में सेम हालत है बांग्लादेश में 2024 के इलेक्शन होने वाले हैं अब जो वर्तमान सरकार है उसको कई पक्षों पर घेरा जाता है विपक्ष के द्वारा लगातार यहां प्रोटेस्ट चल रहे हैं अब क्या कर रही है वर्तमान सरकार वहां पर तो इस आर्टिकल में यही बताया गया कि वर्तमान सरकार ने क्या किया है जितनी विपक्षी अलग अलग पार्टियां हैं इनमें एक बहुत बड़ी पार्टी है जिसका नाम है बीपीएन बी बीएनपी जो है वो है आपकी बांग्लादेश नेशनल पार्टी है ना जो सत्ता दल पार्टी है उसका नाम है अवामी लीग है ना मैंने आपको बताया जो मुजीबुर रहमान के समय जो बनी हुई थी वही पार्टी है अवामी लीग उसी की अभी पूरी तरह से आ, आ, मतलब लीडर जो है वो कौन है तो शेख हसीना है ठीक है इनके सारे परिवार का आ, मार दिया गया था है ना? जैसे भारत में इमरजेंसी जब लगी थी उससे पहले की घटना है कि मुजीबुर रहमान को वहाँ की आर्मी ने उनके घर में घुस के सारे लोगों को मार दिया था बस शेख हसीना बच गई थी क्योंकि उस समय ये जर्मनी में पड़ती थी ठीक है बाद में कई सालों तक भारत में भी इन्होंने जो है ऐसा इलम लिया फिर बा, बाद में बांग्लादेश में गई वहाँ की राजनीति में सक्रिय हुई और आज वहाँ की प्रधानमंत्री है अब आवामी लीग के ऊपर कई तरह के आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं कई तरह के पक्षपात के आरोप लगते हैं तो जितनी पार्टियां हैं अभी इनके लिए विरोध प्रदर्शन कर रही है अब जो सत्ता में पार्टी है वो क्या कर रही है तो जो सत्ता में पार्टी है वो अभी ये कर रही है कि कई तरह के केसेस फाइल कर दे रही है किन के ऊपर जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनके ऊपर अब वो केसेस कोर्ट में जाते हैं कोर्ट में जाने के बाद कोई भी ठोस सबूत मिलता नहीं है फिर छोड़ना पड़ता है तो भाई ये यही सारा पूरा का पूरा अभी पूरा माहौल चल रहा है तो इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि एक्टिव रूलिंग पार्टी राइवल फेस न्यूमरस कोर्ट केसेस पैरालाइजिंग एज इलेक्शन नियर्स मतलब जो विपक्ष आ, सत्ता दल है वो विपक्ष को कुचलने के लिए उन पर कई तरह के झूठे केस लगा रही है और कि कहीं ना कहीं इलेक्शन में उसको उनका फायदा हो जाए मान लिया जाए कि जैसे जो विपक्ष में कोई नेता है अब उसके जीतने के ज्यादा संभावना है तो भाई उसके ऊपर कोई केस लगा दिया अब वो केस लगा दिया तो वो शायद इलेक्शन ना लड़ पाए तो इस तरीके का मिलियंस ऑन ट्रायल इन बांग्लादेश ये इसमें यही बताया गया है कि कई लोगों पे ये ट्रायल चल रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या है तो बांग्लादेशी विपक्ष शेख हसीना सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन कर रहा है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के, के समर्थकों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना से क्या मांगा है तो उनके इस्तीफे की मांग की गई है कि भाई आप इस्तीफा दे दो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हो और पूरा का पूरा इसकी वजह क्या है तो जनवरी 2024 में यहां होने वाले हैं चुनाव और चुनाव ऐसा मुद्दा होता है जिसमें सारी सत्ता पार्टियां चाहती हैं कि हाथ से सत्ता ना जाए है ना तो साम दाम दंड भेद लगाकर सारी तरीके से सत्ता हमारे हाथ में ही रहे तो पूरा का पूरा खेल यहां पे भी सत्ता का ही चल रहा है और निष्पक्ष चुनाव होने की यहां कोई गुंजाइश नहीं लग रही विपक्ष का कहना है कि भाई इतने केसेस यहाँ पे आप फाइल कर दे रहे हो कि हम कैसे लड़ेंगे है ना अब कोई साफ सुथरी राजनीति हो ही नहीं रही तो बांग्लादेश के अंतर्गत अभी ये पॉलिटिकल क्राइसिस जो चल रहा है इसको यहां पे कवर किया गया है है ना लगातार यहां पे प्रदर्शन हो रहे हैं इतने सारे केसेस फाइल हो रहे हैं विपक्ष के लोगों पर कोर्ट में केस जा रहा है लेकिन कोई भी ठोस तरीके की चीजें निकलकर नहीं आ रही है कुल मिलाकर यहां पर आप एक चीज बता सकते हो इलेक्शन दो के इलेक्शन पूरी तरह से वजह है उसी को इस आर्टिकल में कवर किया गया है अब यहाँ की आगे क्या स्थिति होती है वो फिर आगे देखेंगे ठीक है तो यह चीज यहां से जुड़ी हुई थी इलेक्शंस की और इलेक्शंस तो कहां पर है है ना इलेक्शंस भारत में भी होने वाले हैं तो हमारे यहां भी अभी कमिटी बना दी गई है हमने उस दिन भी बात की थी है ना वन नेशन वन इलेक्शन तो इसमें रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में यह बना है बिल्कुल राइट विंग की पार्टी इसके साथ हर तरीके के देखो कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होता है जैसे अमेरिका में भी आप देखोगे कि डेमोक्रेटिक पार्टी जब आती है तो डेमोक्रेटिक पार्टी के बाद लोगों का ही जो रुख होता है वो रिपब्लिकन की तरफ चला जाता है जैसे डोनाल्ड ट्रंप थे है ना चाहे आप इनका जॉर्ज बुश की बात करें वो भी कहां थे पे थे रिपब्लिकन रिपब्लिकन पे और को भी दो दो बार मौके दिए गए ठीक है उसके बाद उस तरीके से चेंज होता है तो अमेरिका जो इतनी मतलब इतना बहुत ज्यादा शिक्षा के स्तर पे देखा जाए तो वहां पे होता है तो फिर बांग्लादेश जैसे देश जो कि 1971 में ही आजाद हुए हैं है ना भारत का बहुत सपोर्ट हुआ तब जाकर आज़ाद हुए तो अभी वहां पे पॉलिटिकल क्राइसिस रहेंगे है ना दूसरा भारत में इस तरह की इतनी ज़्यादा स्थिति ख़राब नहीं है जितनी इन सारे देशों में कई बार आप म्यांमार के बारे में पढ़ा कि वहां तख्ता पलट ही हो गया है ना बांग्लादेश में ऑलरेडी एक बार तख्ता पलट हुआ जो मैं कहानी बताई ना जिसमें मुजीबुर रहमान को उन्हीं के घर में घुसकर मार दिया गया था है ना उसी खौफ में इंदिरा गांधी ने भी अपने घर में अपने यहाँ भारत में भी इमरजेंसी लगा ली थी टेलीग्राम चैनल मैंने शुरू में बताया था लास्ट में बता दूंगा वहां से आप लोग देख लेंगे ठीक है चलिए अब एक अगला आर्टिकल है इसको भी देख लेते हैं इसमें क्या दिया है तो भाई आदित्य हेल्दी फर्स्ट ऑर्बिट रेजिंग मूव सक्सेसफुल इसरो ने खबर दी है कि आदित्य वन एकदम स्वस्थ है सही तौर पे काम कर रहा है चार महीने बाद वहां पहुंच जाएगा और कैसे पहुंचेगा तो भाई धीरे धीरे अपनी ऑर्बिट्स को बढ़ाएगा तो अभी इसमें बताया गया है कि अपनी पहली कक्षा से निकलकर वो दूसरी कक्षा में चला गया है है ना अभी क्या कर रहा है तो अभी पृथ्वी की ही आसपास चक्कर लगा रहा है तो भाई एक दूरी होती है जो पृथ्वी से एकदम नजदीक होती है और दूसरी दूरी होती है जो पृथ्वी से काफी दूर हो जाती है तो उससे निकलकर थोड़ा सा और दूर इस तरीके से निकल गया है तो इसके बारे में अभी इसरो ने जानकारी दी है है ना इसरो की दो अपडेट्स आई है एक आपको चंद्रयान से भी जुड़ी हुई अपडेट आई है आप लोगों ने शायद सुना हो तो उसके बारे में भी हम समझेंगे और इसमें भी क्या हुआ है एग्जैक्टली exactly, उसको भी समझ लेते हैं कि भाई ये एक कक्षा से निकलकर दूसरी कक्षा में जाएगा और कल पांच सितंबर के दिन तीन बजे के आसपास तीसरी कक्षा में प्रवेश करेगा मुजीबुर रहमान को किसने मारा था वहां के ही सेना अध्यक्ष जो थे उन्होंने मार द, वहां पे और वहां पे जैसे आप सुनते रहते हैं ना पाकिस्तान में हो जाता है कि भाई सेना अपने हाथ में वो ले लेती है पावर ले लेती है वही चीज बांग्लादेश में भी हुई थी उस समय विपक्ष पार्टी इंडिया में वीक है हाँ इंडिया नाम से चल रहा है और उसी में आपस में भी कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं अभी ठीक है तो चलो इसमें देख लेते हैं क्या इसरो ने अपडेट दिया है है ना हमें पता होना चाहिए तो यहां पर आप पहले एक डायग्राम देखोगे तब समझने आएगा ये देखो यहां पे क्या है कि पृथ्वी के पास एक कक्षा फिर ऐसे निकलकर दूसरी कक्षा फिर निकलकर तीसरी कक्षा ऐसे करते करते ये बाहर निकलेगा और जाकर L1 पॉइंट पर पहुंचने के लिए तो अभी दो सितंबर को इसको लॉन्च किया गया था उस दिन हमने बात की हुई थी हाँ सेम प्रोसेस है तो अभी जो अपडेट आया उसको हम यहां पर देख रहे हैं तो लॉन्चिंग के तिरसठ मिनट उन्नीस सेकंड बाद स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की दो देखो ये दो किलोमीटर का मतलब है कि भाई पृथ्वी से सबसे न्यूनतम दूरी पृथ्वी से सबसे न्यूनतम दूरी की बात जब की जाएगी तो ये 235 किलोमीटर आ जाएगा और 19,500 किलोमीटर ये एकदम अधिकतम दूरी हो जाती है तो भाई ये पृथ्वी है मान लिया जाए तो इसके आसपास जो राउंड लगाया जा रहा है उसको कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भाई एक एकदम पास में होगा एक दूर होगा फिर निकलकर और बड़ी कक्षा कर ली जाती है तो अभी जो आदित्य एलवन ने किया है दो अक्टूबर के बाद अब ये दो और बाईस हजार उनसठ किलोमीटर की कक्षा में आ गया है यानी उसकी पृथ्वी की सबसे दूरी 245 किलोमीटर हो गई है ना ये 245 हो गई जो पहले कितनी थी 235 थी तो इसमें बदलाव हुआ है और जो आपकी अधिकतम दूरी है वो बाईस हजार किलोमीटर हो गई है ये जानकारी अभी आई है और इसके बाद अभी तो चार महीने लगेंगे चार माह बाद ये L1 पॉइंट पर पहुंचेगा पांच साल तक सूर्य का अध्ययन करेगा है ना तो ये हमारा पहला सूर्य मिशन है जिसका नाम है आदित्य वलवन आदित्य L1 L1 पॉइंट पर जाएगा और अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सारी चीज़ें ऑपरेशनल है है ना तो ये भी हमारा एक सफल मिशन होगा ठीक है इसके बारे में अब दूसरी जो जानकारी आई है वो किस किस से बारे में आई है तो ये आप लोगों ने सुना है कि भाई हमने हमारा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को भेजा है अब इसरो उसका क्या करने वाला है क्योंकि अब जो है चंद्रमा पे आने वाला है रात मतलब छह तारीख जिस दिन चालू होगी वहां की रात चालू हो जाएगी और हमारे रात जैसा नहीं होती कि बारह घंटे दिन बारह घंटे रात वहां पे चौदह दिन दिन और चौदह दिन रात मतलब भारत के चौदह दिन के हिसाब से वहां पर ये तेईस तारीख को लैंड किया गया था है ना तेईस तारीख को यहां पर लैंडिंग हुई थी आप लोगों ने सुन लिया था देख लिया था है ना कितनी चर्चा चल रही थी कि भी भारत पहला ऐसा देश बनाया जिसने दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करा दी तो भाई से ये लगातार क्या कर रहा कर रहा रहा था था आसपास रिसर्च जिसमें लैंडर गया लैंडर जाने के बाद उससे प्रज्ञान रोवर निकला था और ये यह रोवर यहां पर ऑक्सीजन की खोज कर रहा है सल्फर की खोज कर रहा है मिट्टी के नमूने ले रहा है तो ये सारी चीजें थी अब क्या होने वाला है चंद्रमा पे आने वाला है अब रात वहां की मतलब लूनर लाइट होने वा, नाइट होने वाली है तो उसको देखते हुए इसरो ने क्या किया दोनों को ही हाइबरनेशन में डाल दिया है है ना अब ये शब्द हाइबरनेशन सुना है आप ने कभी? बिल्कुल बिल्कुल विवेक कैपलर्स के लॉ और कैपलर्स के लॉ पे आधारित आगे चलकर न्यूटन ने भी नियम दिए थे है ना तो वो पूरा का पूरा फिजिक्स तो अप्लाई करनी ही पड़ेगी अगर हम प्लानिटरी मिशन की बात करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर करिए एक बार जल्दी से हाइबरनेशन के बारे में नहीं सुना है आपने ठीक है हाइबरनेशन नहीं सुना है तो इसको बोलते हैं शीत ऋतु की निष्क्रियता शीत ऋतु की निष्क्रियता का मतलब आपने कई बार देखा होगा कि आपके घरों में छिपकली दिखती है लेकिन जब ठंड का मौसम आता है वो छिपकली गायब हो जाती है या बहुत ज्यादा कभी ठंड पड़े तो मच्छर नहीं दिखते हैं है ना या आप कभी कोई विदेश घूमने जाए मतलब कोई ठंडे देश जाए स्विट्जरलैंड जाए फ्रांस जाए वहां मच्छर क्यों नहीं है तो वो भाई वहां पर मच्छर जो होंगे वो जिंदा नहीं रह सकते क्योंकि उनकी जो बॉडी है हमारी जो बॉडी है ना वो किसी भी वातावरण में अपना तापमान मेंटेन कर सकती है ठीक है तापमान वैसा बना सकती है मतलब तापमान के साथ रह सकती है लेकिन ऐसे जीव दो तरह के जीव होते हैं जो आप धरती पर पढ़ते हैं एक होते हैं समतापी जिनका तापमान क्या होता है नाम है समतापी तापमान समान नहीं रहता जैसे हम लोग जो हैं जितने मानव हैं वो है समतापी हाँ उनको वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहा जाता है तो दो तरह के जीव होते हैं इसको समझाने के लिए यहां पर चंद्रमा की इन दोनों को हाइबरनेशन में डाला गया तो दो मिनट समझ लो तो चीजें आ जाएंगी समझने देखो होता क्या है कि दो तरह के जीव होते हैं एक होता है विषम तापी और एक होते हैं समतापी ठीक है सम विषम तापी का मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और ये होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स ठीक है अब इसमें कौन आते हैं तो जो समतापी होते हैं या वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उसमें जितने आपके मैमल्स होते हैं मैमल्स का मतलब क्या होता है तो हम भी एक मैमल ही है, है ना जिनको स्तनधारी कहा जाता है और दूसरे होते हैं पक्षी ये क्या करते हैं इनका जो तापमान होता है वो बदलता नहीं है है ना जैसे हमारा तापमान कभी नहीं बदलेगा हमें जब बुखार आएगा तभी हम बोलेंगे कि हमारा तापमान बदल गया है चाहे गर्मी आ जाए चाहे सर्दी आ जाए हमारा तापमान में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होता है तो हम जो है समतापी में होते हैं इन्हीं को दो होते हैं पक्षी होते हैं मैमल्स होते हैं और दूसरे जो हैं अगर हम बात करें कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स तो जैसे मच्छर हो गया छिपकलियाँ हो गई सांप हो गए ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं ये आ जाते हैं विषम तापी के अंतर्गत सरी के अंतर्गत तो भाई होता यह है कि ये क्या कर सकते हैं जैसे इनके साथ ये होता है कि अगर बाहर का तापमान माइनस पंद्रह डिग्री सेल्सियस हो गया है तो इनका भी तापमान माइनस पंद्रह हो जाएगा अगर बाहर का तापमान पंद्रह डिग्री सेल्सियस हो गया है तो इनका भी तापमान पंद्रह हो जाएगा अगर बाहर का तापमान पचास डिग्री सेल्सियस हो गया है तो इनका तापमान भी पचास डिग्री सेल्सियस हो जाएगा इनका शरीर का तापमान उस हिसाब से बदलता रहता है तो फिर दिक्कत क्या है इनको तो कहीं पे भी रह सकते हैं भाई दिक्कत तो होती है इनको भी इनके साथ क्या होता है कि भाई इनका शरीर ही चलना बंद हो जाता है भाई ये तापमान तो अपना बदल लेंगे लेकिन शरीर की बाकी प्रक्रिया नहीं कर पाते तो ये मर जाते हैं इसीलिए ठंड के दिनों में ऐसे जीव अपने आप को बचाने के लिए छुप जाते हैं जैसे मैंने बताया कि आपको ठंड के दिनों में कभी छिपकली देखने नहीं मिलेगी ठीक है बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी तो छिपकलियां छुप जाती हैं उसको हाइबरनेशन कहते हैं उसको शीत ऋतु की निष्क्रियता कहते हैं कि भाई शीत ऋतु में निष्क्रिय हो गए जैसे मेंढक आपको गर्मी के मौसम में नहीं मिलेंगे गर्मी के मौसम में जमीन में जाकर छिप जाते हैं उसको एस्टिवेशन कहा जाता है एस्टिवेशन का मतलब ग्रीष्म ऋतु की निष्क्रियता तो भाई हम यहां पर ये क्यों बात कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे ये दोनों ही हैं चंद्रमा पर जो रोवर है और जो लैंडर है इन दोनों को इसरो ने क्या किया है हाइबरनेशन पे डाल दिया है अब हाइबरनेशन का मतलब हाइबरनेशन का मतलब यही है कि अब चंद्रमा पर होने वाली है रात और चंद्रमा पर तापमान यहां पर माइनस एक सौ तीस डिग्री के ऊपर ही जाएगा तो अगर इन इंस्ट्रूमेंट्स को चलते देने छोड़ दिया हमने तो ये खराब हो जाएंगे काम ही नहीं कर पाएंगे ठीक है तो इनके पैनल्स इनकी बैटरी वैटरी एकदम से खराब होगी तो हमने इनको स्लीप करा दिया है इनको स्लीप मोड पर डाल दिया है इसके अलावा इसरो ने कहा है कि भाई हम देखेंगे बाईस सितंबर के बाद वापस वहां दिन होगा तो इनको वापस चालू करने का प्रयास करेंगे अगर चालू हो गए तो ठीक नहीं चालू हुए तो इनको चंद्रमा पर हमारे एक एम्बेसेडर के तौर पर मान लिया जाएगा क्योंकि हम वापस तो ला नहीं सकते तो इसरो ने अभी यह जानकारी दी है कि अब इसके साथ क्या होगा क्योंकि कई बार आप लोगों की क्यूरी आ रही थी कि सर होगा क्या ये वापस आएगा तो ये वापस तो अब नहीं आएगा है ना अब ये देखा जाएगा कि 22 तारीख के बाद ये वापस से रेडी होता है कि नहीं क्योंकि ये एक बार ऑलरेडी हुआ है कि चाइना के जो लैंडर्स थे वो वापस से निष्क्रिय जब उनको किया गया था और जब वहां पर सूर्य का प्रकाश आया क्योंकि इनमें क्या होता है सोलर पैनल लगे होते हैं जब सूर्य का प्रकाश आता है तो ये इन पर वापस से एक्टिवेट हो जाते हैं लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी पदार्थ हो उसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो माइनस एक डिग्री सेल्सियस पर भी चलना चालू हो जाए जो यहाँ पर अभी हो जाएगा छह तारीख के बाद तो बेसिकली यही एक समस्या थी तो अभी हमने उसको स्लीप मोड पर डाल दिया है उसी को हाइबरनेशन कह दिया जा रहा है इसरो की तरफ से और दूसरी बात इसका जो रिसीवर है ना मतलब इसके सिग्नल मिलते रहेंगे लेकिन ये बाकी चीजें इसकी बंद कर दी गई हैं हाँ सूर्य का प्रकाश ही नहीं आएगा तो कैसे चलेगा तो ये सारी समस्या इसके साथ थी तो अब जो अगली अपडेट आएगी कि ये आगे चलता है या बस हमारे स्मारक के तौर पर कभी हम चंद्रमा पर गए बाद में तो ये मिलेगा हमें तो वो जो है ये 22 तारीख के बाद कंफर्म करेगी इसरो अभी तक ये जानकारी इसरो ने दी है ये, ये आर्टिकल भी जो है इंडियन एक्सप्रेस में ही आया हुआ था आपको मिल जाएगा है ना तो बिना सूर्य के तो काम नहीं होगा इसके पास एक बैटरी है ऑलरेडी जो कि पूरी तरह से चार्ज है तो हमने दो दिन पहले ही इसको बंद कर दिया अभी वहां सूर्य का प्रकाश है लेकिन इसरो ने सेफली कि भाई आखिरी दम पे ना किया जाए कि उससे कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती थी तो हमने पहले ही बंद कर दिया है सर इसको इसरो कंट्रोल कर रहा है रिमोट से या ऑटोमैटिकली कंट्रोल हो रहा है भाई पूरी तरह से ग्राउंड बने हुए उन ग्राउंड स्टेशन से इनको ऑपरेट किया जाता है और काम किया जाता है सर वाटर नहीं मिला है देखो वाटर अभी हमने वहां के सैंपल्स लिए हैं उन सैंपल्स पे अभी जांच हो रही है उसके बाद ही पुष्टि करी जाएगी ऐसे हम जैसे मतलब ऐसा नहीं कर सकते ना जैसे वहां सल्फर की पुष्टि हुई तो उसको किया गया क्योंकि अब वाटर की बात करें जैसे वहां तापमान जब सूर्य का तापमान बढ़ता है तो वो भी तापमान सौ डेढ़ डिग्री सेल्सियस पे चला जाता है वैसे ही सेम चीज जब तापमान गिरता है तो जो वाटर है वो इस तरीके से नहीं कि भाई पानी जैसे हमारे यहाँ मिल जाएगा वैसे मिलेगा वहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्व ढूंढने की बात है ऑक्सीजन तो मिला था हाइड्रोजन पर जो शोध है अभी आगे इसरो उसको क्लियर करेगी सर चाइना का नहीं चला चाइना का चल गया था यही सेम चीज इसरो ने बताई है कि चाइना ने जब अपना मिशन भेजा था उसे दक्षिणी ध्रुव पे नहीं भेजा था देखो सबसे पहली चीज याद रखना कि चंद्रमा की सतह पर कई तरह के लैंडर और रोवर ने लैंडिंग करी है पंद्रह बार फेल हुआ था यूएसए और यूएसएसआर उसके बाद काफी सारी सफल लैंडिंग हुई है लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार हुई इसलिए भारत को कहा गया कि भाई भारत पहला देश है लेकिन भारत से पहले कोई गया ही नहीं चंद्रमा पर या कोई लैंडर पहुंचा ही नहीं ऐसा नहीं है चाइना का जो लैंडर था रोवर था वो ऑपरेट हो गया था मतलब इस दिन के के रात बाद ठीक है तो ये याद रखना इसके बाद देखिए एक और इंपॉर्टेंट खबर आई है कि जो ओलंपिक की समिति है अगला ओलंपिक दो में जो होना है वो आपका लॉस एंजल्स में होना है लॉस एंजल्स यानी अमेरिका में होना है और 2032 का जो होना है वो ऑस्ट्रेलिया में होना है और क्रिकेट की जो लोकप्रियता है क्रिकेट की लोकप्रियता जैसे भारत में अभी ज़्यादा है वैसी अमेरिका में भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है क्योंकि भारतीय तो हर जगह बढ़ते जा रहे हैं आप इंडियंस का काउंट देखो है ना अभी अमेरिकी राष्ट्रपति की दौड़ में भी भारतीय मूल के लोग ही आगे आ रहे हैं है ना कमला हैरिस वहां थी कनाडा आधा पंजाब हो चुका है तो बहुत सारी जगह पर भारतीय लोग रहते हैं और जहां भारतीय लोग रहते हैं वहां क्रिकेट का तो जुनून चलता ही है तो यही ओलंपिक्स की कमेटी को लग रहा है कि भाई ओलंपिक्स को और कैसे ज्यादा प्रचलित किया जाए तो क्रिकेट को भी शामिल कर लिया जाए तो पहले दिक्कत थी भाई क्रिकेट इतना लंबा होता था कि उसको शामिल नहीं किया जा सकता था तो बेसिकली अब जो है हमारे पास टी आ गए हैं है ना दस दस ओवर के भी मैचेस होने लगे तो अब जो है ओलंपिक की जो समिति है वो उस पर विचार कर रही है कि भाई इसको शामिल किया जाए क्योंकि अमेरिका के अंतर्गत अभी लगातार क्रिकेट का क्रेज बढ़ा है सर इन्वायरमेंट इन इकोलॉजी की क्लास कब चलेगी मैं आंसर करूंगा है ना क्लास के बाद एनवायरमेंट इन इकोलॉजी पर भी बात करेंगे है ना वो क्लास बंद नहीं हुई है सबसे पहली चीज है है ना मैं बताता हूं वो कैसे चालू होगी होगी कब से है ना तो अभी पहले ये आर्टिकल देख लो जो लास्ट एक आर्टिकल है यहां से है ना बात तो समझ समझने आ रही है आप लोगों को सारी भाई छत्तीस हजार किलोमीटर दूर जो होते हैं वो आपकी जियो स्टेशनरी सेटेलाइट होती है ठीक है तो यहां पर देखो दो हजार किसकी बात कर रहे हैं दो हजार अट्ठाईस में अमेरिका के लॉस एंजल्स में होने हैं और दो हजार बत्तीस के ऑस्ट्रेलिया में होने ऑस्ट्रेलिया आप लोगों को पता ही है क्रिकेट पहले से खेलता हुआ आ रहा है और दूसरा 2028 में लॉस एंजल्स में भी हो रहा है तो जो ओलंपिक की कमिटी है उसका मानना है कि भाई अमेरिका में भी क्रिकेट का प्रचलन काफी बढ़ गया है अभी आगामी वर्षों में और दूसरा ऑस्ट्रेलिया में तो होता ही है क्रिकेट है ना ब्रिस्बेन में होना है वहां पर भी बहुत ज्यादा क्रिकेट देखा जाता है तो इस कारण हो सकता है कि अभी आने वाले महीने में नेक्स्ट मंथ अक्टूबर माह में क्रिकेट को भी शामिल कर लिया जाएगा तो जब से ओलंपिक्स चल रहे हैं है ना ओलंपिक्स के खेल हर चार साल में होते हैं लेकिन जब विश्व युद्ध हुआ था 1914 1918 उस समय नहीं हुआ था इसके अलावा आपका जो 1945 से 1945 दूसरे विश्व युद्ध के समय भी एक बार ये आयोजित नहीं हो पाया था 1938 में हुआ था लेकिन 1938 के बाद 1942 वाला नहीं हुआ था 46 वाला हो गया था इसके अलावा सारे समय ओलंपिक्स हुए हैं ऑलमोस्ट 1964 में टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था 1964 में कौन सा हुआ था टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था उस टोक्यो ओलंपिक्स में पहली बार पहली बार ऐसा हुआ था कि भाई उसका लाइव टेलीकास्ट हुआ था जापान में टोक्यो है और अमेरिका में उसका टेलीकास्ट हुआ था पूरा पैसिफिक पैसिफिक के के बीच में उसको ट्रांस टेलीकास्ट कहा जाता है उसने भारत अंतर्गत टीवी को चालू किया जो विक्रम सारा भाई थे उनको बहुत बड़ी प्रेरणा मिली थी 1964 के टोक्यो ओलंपिक्स में टोक्यो ओलंपिक्स ने ही हमारे घरों में दूरदर्शन चालू करवाया है यह याद रखना <coughs> नासा का अपोलो मिशन की समरी ठीक है इस पर भी मैं बात कर दूंगा है ना जो भी आप लोगों को कहीं पे भी कोई डाउट्स आते हैं ना तो कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो उनको किसी ना किसी ना आर्टिकल्स के साथ जब न्यूज आएगी तो मैं उनमें साथ में बता दूंगा। है? मैं क्या बता रहा था उन्नीस सौ चौसठ उन्नीस सौ चौसठ में टोक्यो ओलंपिक्स हुआ कहां पर टोक्यो मतलब जापान में ही हुआ होगा तो उसमें पहली बार क्या हुआ ट्रांस पैसिफिक टेलीकास्ट हुआ था उसके बाद भारत में दूरदर्शन और ये सारी चीजें शुरू की गई थी इसके बाद अभी आपने हाल ही में सुना था टोक्यो में ओलंपिक्स हुआ था नीरज चोपड़ा ने कहा भाला फेंका था है ना गोल्ड लाए थे इससे पहले ओलंपिक्स में क्रिकेट हुआ है नहीं हुआ है पहली बार इसको शामिल किया जाएगा अभी हुआ नहीं है शामिल अभी कमेटी विचार कर रही है लेकिन ये लास्ट फेज में है यानी इस आर्टिकल में आप पढ़ोगे तो अभी काफ़ी चर्चा है कि भाई इसको शामिल कर लिया जाएगा 2028 के ओलंपिक से ये लागू होगा और ये जो है इंटरनेशनल ओलंपिक समिति इसका फायदा उठाने के लिए तैयार कर रही है कि ताकि लोकप्रियता ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे और कोई भी जो आयोजन होता है उसमें जब लोग पार्टिसिपेट करते हैं जब दर्शक ज़्यादा होते हैं तो वो सफल हो जाता है जैसे भारत में आईपीएल को बहुत ज़्यादा देखा जाने लगा तो उसकी लोकप्रियता एकदम बढ़ गई ठीक है बिल्कुल ओलंपिक <laughs> 2028 में क्रिकेट को शामिल किया जा सकता है अभी ये इस आर्टिकल के तहत बताया गया है ठीक है इसके अलावा दो में ऑस्ट्रेलिया में होना है है हाँ ना वो और अभी आपका 2020 वाला जो था वो आयोजित नहीं हो पाया था तो 21 में आयोजित हुआ था टोक्यो में ही हुआ था तो टोक्यो में इससे पहले 1964 में हुआ था है हाँ ना ये मैंने आपको बता दिया इसके अलावा इसमें देखो अभी नौ खेलों की बात की जा रही है है हाँ ना केवल ऐसा नहीं कि क्रिकेट की बात की जा रही है हमारे लिए क्रिकेट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इसलिए ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस ने दिया है तो इंटरनेशनल ओलंपिक समिति ओलंपिक 2028 में नौ नए खेलों को शामिल करने की तैयारी है जिसमें एक क्रिकेट भी है तो इस पर अभी नेक्स्ट मंथ जो मीटिंग होगी उसमें ये चीजें क्लियर होंगी ओलंपिक में क्रिकेट पहले होता था नहीं होता था यही मैंने बताया दूसरे गेम्स में भले खेला गया है एशियन गेम्स में आया है कॉमनवेल्थ में खेला गया है, लेकिन ओलंपिक्स में नहीं खेला गया था ठीक है आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें मिल जाएगा तो होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी है ना तो इसकी पी आपको कहाँ से मिलेगी तो इस टेलीग्राम ग्रुप से आसानी से मिल जाएगी और कोई क्वेश्चन होंगे तो आप यहाँ पर मुझे मेल कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अगर आप हमारे साथ पी टू आई बैचेस में जुड़ना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए अवसर है कि 11 सितंबर से बैचेस शुरू हो रहे हैं इसमें आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं मनीष लाइव और इसकी अभी मिनिमम फीस मिल जाएगी आपको ये हिंदी माध्यम में इंग्लिश माध्यम में और इंग्लिश में तीनों में ही अवेलेबल है लेकिन हिंदी के बैचेस में अगर आप आएंगे तो इसमें आ, हमारी तरफ से हिंदी माध्यम में जैसे हा, हा, हमारी टीम पूरी की पूरी इसमें क्लासेस लेती है मैं इसमें पर्यावरण पारिस्थितिकी विज्ञान प्रौद्योगिकी ये दो सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ तो इसमें भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं ठीक है बिल्कुल तो आई थिंक सेशन समझने आया होगा आप लोगों को और कोई तरह के डाउट्स होंगे तो आप लोग फिर कमेंट्स में डाल देंगे उनको हम नेक्स्ट क्लासेस में जो भी कुछ दूसरे आर्टिकल्स होंगे उनके साथ मर्ज कर देंगे दूसरी बात जो आप लोग कह रहे हैं इन्वायरमेंट इन इकोलॉजी इन्वायरमेंट इन इकोलॉजी नहीं हो पाया था लास्ट वीक मेरी थोड़ी तबियत भी ठीक नहीं थी और क्लासेस भी थी तो दोनों चीज़ों के कारण मैं क्लास नहीं ले पा रहा था बट इस वीक में मैं क्लासेस ले लूँगा आज से जो है आप लोगों को मोस्टली चांसेस है कि आज से ही मिल जाए नहीं तो कल से तो हंड्रेड क्लासेस जैसे टाइम पे थी बारह बजे जो क्लासेस होती थी वो मिल जाएंगी अगर आज हुई भी तो कुछ टाइम चेंज हो सकता है लेकिन आपको आ, कल से तो हंड्रेड परसेंट क्लासेस मिल ली जाएंगी ठीक है तो इन्वायरमेंटल इकोलॉजी बंद नहीं हुआ है उसको जहाँ से हमने पढ़ाया था वहीं से चलेगा तो थैंक यू वेरी मच आप लोग इतना लगातार देख रहे हैं और प्यार दे रहे हैं आप तो ऐसे ही लगातार देखते रहिए और जो है साथ साथ इसका जो पीडीएफ है उसको भी मैं डाउन भेज दूंगा उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा ठीक है और कोई डाउट्स होंगे तो आप कमेंट्स में डाल देंगे तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस हैव अ ग्रेट डे